मेरे एक्सेंट का भी बड़ा मजाक उड़ाए जाते हैं। लोगों को यही होता है कि ये इस कंट्री में कैसे चली गई, ये उस कंट्री में कैसे चली गई। हमारी आवाम का ये मसला कि वो पॉजिटिव इतना नहीं सोचती, हर एक चीज़ के बारे में नेगेटिव होती है। इदारे भी इमरान खान के अगेंस्ट आके खड़े हो गए हैं और वो भी एक जोकर हमारे ऊपर मुसलत कर। आई लव इमरान खान, आई लाइक इमरान खान। शहबाज शरीफ को तो कोई जानते ही, आप तो देखें कि इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। मुझे जब लंदन में अल्ताफ हुसैन से मिली थी तो मेरे लिए बहुत हो गया था कि आप अल्ताफ हुसैन से क्यों मिली हैं। वो यहाँ के किंग थे, कराची के बादशाह थे। कल भी लंदन में भी उनसे मिली हूँ और मैं आज भी मिलूँगी। वो पाकिस्तान के बछिन्दे हैं, पाकिस्तान की शहरी हैं, पाकिस्तान में आना चाहिए। ये तो जुल्म है कि किसी भी पाकिस्तानी बछिंदे को आप पाकिस्तान आने की परमिशन ना दें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह। हरीम शाह की सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की है, फांसी जमानत, और उनको कहा है कि 7 रोज में FIU को ज्वाइन करेंगी जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। हरीम शाह, पाकिस्तान आई हैं और आपने इतनी ताखीर क्यों की है? कुछ लोग कह रहे थे कि आप टर्की में गिरफ्तार हो गई हैं, किसी ने कहा आपके खिलाफ भी केसेस बन गए हैं, तो ये मामला क्या है और आप पाकिस्तान आई हैं तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच बिलाल भाई। सबसे पहले ये जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, तब मेरे ऊपर केस भी नहीं बना हुआ था। टर्की शिफ्ट हुए मुझे तकरीबन 2.5 साल होने लगे हैं, तो ये केस को तो 1 साल हुए, तो 1 साल से मैं पाकिस्तान नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले से मेरे कुछ होते बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है मैं डरने वाली तो हूँ नहीं, डरूंगी क्यों? लाइक अगर कोई भी चीज़ है उनको फेस करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं होते तो आपका कोई लीगल एडवाइज़र होता है, कोई आपका स्पोक पर्सन होता है जो आपकी कायम मकायम बात कर सकते। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे आके मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। लोग ये समझें कि मैं खाइफ हो गई, मैं डर गई, मैं मुकर गई, पता नहीं मीडिया पर क्या क्या वो होता है। तो मेरे वकील से आप पूछ सकते हैं कि मैं किस चीज़ में पीछे नहीं हटी थी। मेरे एक दफ़ा तो मेरा सीरियसली जिस लेटर का इतना मजाक उड़ाया गया था कि टर्की ज़बान में, अब जिन लोग जो लोग टर्की बोलते हैं टर्की समझते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो लोग उधर जाते हैं उनके डॉक्टर्स को भी इंग्लिश नहीं आ रही होती और वहाँ पर ट्रांसलेटर होते हैं और ट्रांसलेटर भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको अपनी ज़बान पर बड़ा फ़ख्र है। उन्होंने वहाँ से मुझे बाकायदा मेडिकल लेटर दिया था और मेडिकल लेटर मैंने अपने वकील के तवसत से, अब मेरे वकील साहब टर्की जबान को कैसे ट्रांसलेट करें और यहाँ पे आप समझ सकते हैं, उसका इतना मजाक उड़ाया गया कि वकील को भी समझ नहीं आ रहा था। ये भी मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला था, वो मेरा एक सीरियस प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ताहिर होगी। फिर उसके बाद मुझे किसी और कंट्री जाना था और मेरी कुछ कमिटमेंट थी और उनके साथ मेरे कुछ एग्रीमेंट थे, और जब एग्रीमेंट होते हैं कोई भी आपको एडवांस में अमाउंट पे करते हैं तो आपकी और उनकी जबान वो हो जाती है, तो उस वो एक मसला था। तो इसकी वजह से मैंने ताहिर हुई और मैंने मीडिया पे आके बताया और बकायदा मेरे वकील मेरी गैर मौजूदगी में कोर्ट जाते रहे और पहले 2 दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने मुझे रिलीफ दिलाया और तीसरी दफ़ा बहुत क्रिटिकल था, नहीं मिलता आप खुद कोर्ट के मेरे ख्याल में उनको, लेकिन ये सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने इतनी मेहनत इतना स्ट्रगल करके इन्होंने तीसरी दफ़ा मुझे रिलीफ दिलाया। क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा बरहम हो गए थे कि मैं 2 दफ़ा मैंने कोर्ट का मजाक उड़ाया और मैं नहीं आई, जबकि मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वही बात है आपकी मजबूरियों को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो तीसरी दफ़ा मुझे रिलीफ मिले, मैं खुद मतलब परस्यू करने के लिए आई हूँ। अगर मैं ना आना चाहूँ तो नहीं आ सकती थी क्योंकि मुझे जब मैं टर्की शिफ्ट हो गई हूँ, मेरे पास वहाँ का PR है, मेरे पास वहाँ का सब कुछ है, तो मैं नहीं आना चाहूँ तो 2-3 साल बाद अगर मेरे जहन में यह होता कि 2-3 साल बाद पाकिस्तान में क्या है, किसी को कुछ याद भी नहीं रहता। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को फेस करना था, क्लियर करना था और क्लियर होनी चाहिए। तो इंसान की मेरे ख्याल में कामयाबी इसी में है कि आप चीज़ों को फेस करो, चीज़ों से ना भागो, तो ये चीज़ें इंसान को बहुत कुछ लाइफ में सिखाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उस पर कंट्रोवर्सी भी आती है, आपने एक वीडियो डॉलर वाली बनाई, उस पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई कि आप पाकिस्तान से एक तवील अरसे के लिए बाहर, उस पर क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि रूटीन की FI की कार्रवाई थी या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल भी कोई दबाव आपने इस जो इन आपके खिलाफ जो चीज़ें हुई उस पर नजर आया? नहीं, इसमें पॉलिटिकल ही हुआ था। एक तो ये कि मैं जब लंदन में अल्ताफ हुसैन से मिली थी तो मेरे लिए बहुत हो गया था कि आप अल्ताफ हुसैन से क्यों मिली हैं, आप अल्ताफ हुसैन के बारे में आके मीडिया में ऐसे क्यों कह रहे हो कि उसको यहाँ से बैन किया गया। खैर मैं इदारों का नाम नहीं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, तो आप उनके बारे में क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत संजीदा लोगों ने मना किया कि आपके लिए खतरा, आपकी जान के लिए खतरा है कि एक शख्स को मुल्क से निकाला गया, तो आप कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हो, कैसे उसके लिए एफर्ट कर सकते हो, कैसे उसके साथ खड़े होकर तस्वीर बना सकते हो? लेकिन मैंने कल भी बनाई और मैं आज भी बनाऊंगी। मैं कल भी लंदन में गई, उनसे मिली हूँ और मैं आज भी मिलूंगी। अगर उनके मसाइल कोई आपके साथ है, वहाँ से अदालत ने उनको बरी कर दिया और वो मेरे सामने उनके केस हुआ था जो भी था कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नाजेब अल्फाज, खैर मैंने नहीं सुने अगर कहे हैं, यानी कि इस चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता। और जब वो यहाँ पे थे तो तब हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता उनका करियर कैसा रहा है।
लेकिन मैंने उनको मैंने बारहा ये कहा कि वो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, पाकिस्तान की शहरी हैं, पाकिस्तान में आना चाहिए, हम सब का कंट्री, चाहे हम हमसे कोई जुर्म हो जाता है या हमसे कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए या कुछ किया जाए। हम तो यहाँ पे ही पैदा हुए, यहाँ पे ही मरेंगे, ये हमारी मिट्टी है, तो हम हमारी माँ की जगह हमारा पाकिस्तान। तो ये तो जुल्म है कि किसी भी पाकिस्तानी बशिंदे को आप पाकिस्तान आने की परमिशन ना दें। तो इसलिए मैंने एक हक की बात की थी। ठीक है, तो वो जो आपने डॉलर वाली जो वीडियो बनाई उस पे आपने माफ़ी भी मांगी, तो वो उस पे बिल्कुल आप क्या कहेंगी कि अब FIA में जा रही हैं आप उसके सामने? एग्जैक्टली मैं FIA में जा रही हूँ। उस वीडियो पे इन्होंने यकीन माने यहाँ से इतनी ज्यादा, आपको पता होगा जिस जी तरह शहजाद अहमद अकबर जो है शहजाद जिसमें अकबर कूद जी पड़े जी थे, और उन्होंने बकायदा के मीडिया पे कहा था, और उन्होंने बकायदा NCA को लेटर लिखे थे, ईमेल्स की थी सारा कुछ। बट आपको पता है वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को नहीं खातर में लाया जाता। तो मुझे उनके लेटर्स की क्या कदर थी, क्या वैल्यू थी, क्या कीमत थी, सब आपके सामने आ गई कि आप उन्होंने मीडिया पे आके खुद आपको बताया कि हमने उसके अगेंस्ट लेटर लिख दिए हैं, वहाँ से हमें जवाब आएगा। उनको क्या जवाब आया क्या नहीं आया, लेकिन मैं लंदन में अपना इज्जत से टाइम पूरा करके वापस आ गई इज्जत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ना तो मुझे डिपोर्ट किया गया और ना मेरे लिए कोई वहाँ पर मसला हुआ। जहाँ तक वीडियोज़ की बात है, मैंने फ़न में बनाई थी, मैंने अच्छा जिस फन में बनाई थी, और एक फ़न को इतना संजीदा अगर कोई और बनाता तो ना लिया जाता, मैंने बनाया है। तो इन्होंने इसको पॉलिटिकल बीच में चीज़ों को ले आए और सारा कुछ। और दूसरा जो इशू मैंने उन्होंने खड़ा किया और सच में खड़ा किया, अल्ताफ हुसैन से मिलने की वजह से मुझे वो किया, लेकिन किसी के थ्रेट से मैं डरती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं और वो हुआ जो था। मेडिकल आपकी तरफ से सेहत का आया था वो टर्किश लैंग्वेज में था और उस पर जो आप बिलाल भाई, आपका अगर जी टर्की जाने का इत्तेफाक हुआ ना, तो आप जाके वहाँ पे कानों का हाथ लगाएंगे कि कोई इंग्लिश भी कोई नहीं, इंग्लिश बोलने वाला हो या कोई इंग्लिश समझे, वहाँ के डॉक्टर, वहाँ की एलीट क्लास भी इंग्लिश, वो इंग्लिश को पता नहीं गाली समझते हैं क्या समझते हैं, वो अपनी जबान पे उनको बहुत प्राउड प्राउड है है, जी जी बहुत ज़्यादा प्राउड है। तो वहाँ पे जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो हमें वहाँ पे जाके जिस मशक्क़त का सामना करना पड़ता है, अगर उनके पास ट्रांसलेटर नहीं है तो हमने गूगल निकाल के उनसे गूगल के थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है, ठीक या है फिर उनको हमने इशारों में समझाना है, फिर उसके बाद जाके उनको समझ आती है। तो इन चीज़ों में हमें खुद भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था फ्यूचर प्लान, कोई मूवी आप साइन कर रही हैं, कोई इस तरह का प्लान है आपका किसी ड्रामा का या देखिए कोई और मैं जब एक्टिविटीज? वहाँ पे भी थी, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के मैं नाम नहीं लूँगी, हम चैनल जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैनल है, जी उनके जी बहुत सारे डायरेक्टर और बहुत सारे प्रोड्यूसर जो चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में आऊँ और मैं काम करूँ, लेकिन मैं नहीं समझती कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं एक्टिंग स्किल्स मेरे अंदर नहीं है, तो जिस चीज़ नहीं है तो उसका मैं क्यों तमस्कर बनाऊँ। हाँ, अगर खुद मैंने एक चीज़ को इम्प्रूव कर लिया या फिर मेरा दिल हुआ तो ज़रूर डेफिनेटली आऊँगी, लेकिन ऐसे किसी के इजहार पे या किसी के उस पर अभी नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी एक्टिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, मैं टिकटॉक पे इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकती। तो हर एक के अंदर कोई ख़ास क्वालिटी में भी होती हो, लेकिन मैं नहीं समझती कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है कि मुझे एक्टिंग के अंदर आना चाहिए, क्योंकि मेरे एक्सेंट का भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। मेरी चूंकि बेसिक एजुकेशन पेशावर से है, तो जाहिर है मेरी तो मादरी लैंग्वेज हिंको है और मैं खुद MPhil की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे एक्सेंट का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, कहते हैं कि ये कैसे बोलती है और ये वो। बल्कि आप अपना एक्सेंट नहीं चेंज कर सकते, आप पाकिस्तान से बाहर जाएं जहाँ मर्जी रहें, जो आपका बुनियाद होते हैं वो फर्म होते हैं, वो मजबूत होते हैं, तो बाद में बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं आपके लिए अपने एक्सेंट को तब्दील करना। तो आपको पता है उर्दू मेरी अच्छी है, लेकिन उर्दू एक्सेंट मेरा अच्छा नहीं है। आपके पास अगर आप कहीं सफर कर रही हैं, मुल्क से बाहर जा रही हैं, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम मेहनत की कमाई है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक की मेहनत की कमाई है। जी आप इतना मेहनत करते हैं मीडिया पे तो आपकी भी मेहनत की जी ही जी कमाई है, किसी की मेहनत को या किसी की स्ट्रगल को वो नहीं। लोगों को यही होता है कि ये इस कंट्री में कैसे चली गई, ये उस कंट्री में कैसे चली गई, जी इसका ये हो गया, इतने इस होटल में क्यों, मतलब इन चीज़ों को लोग जज करते हैं, देखते हैं, और इनकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। और हमारी आवाम का ये मसला कि वो पॉजिटिव इतना नहीं सोचती, हर एक चीज़ के बारे में नेगेटिव होती है। जब इससे पहले मैंने शादी नहीं की थी तब मेरे ऊपर कंट्रोवर्सी इतना थी, अब शादी की है तो अब बिलाल को रोज़ाना मैसेज आ रहे होते हैं कि आपने किस लड़की से शादी कर ली, आपने ये हो गया, आपने वो हो गया। इन चीज़ों को मैं चिल करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मुझे अब बिल्कुल फ़र्क पहले भी नहीं पड़ता था। देखें, आमिर लियाकत साहब इसी डिप्रेशन की जी वजह से फौत हुए हैं, तो इंसान की ज़िंदगी उसके लिए बहुत बड़े कीमती एहसास होते हैं। और अगर आप हर एक लोगों को जवाब देना या हर एक लोगों की बात पे डिप्रेस होना शुरू हो जाएं, तो मेरे ख्याल में हर एक का इंजाम आमिर लियाकत साहब जैसा होगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता आमीन। फरमाए। लेकिन मैं इन चीज़ों को चिल करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मुझे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ज़ात पे मुझे पर्सनली कोई भी अटैक करे, कोई भी हिट करे, कुछ भी। तो मैं कहती हूँ खुदा है कि ये सब खुदा क्यों बन रहे हैं। तो हम अगर कुछ अच्छा करेंगे अपने लिए करेंगे, बुरा करेंगे अपने लिए करेंगे, और हर एक ने अपनी ज़िंदगी का इंफरादी तौर पे मतलब जवाब देना, इज्तमाही तौर पे किसी ने नहीं देना।
तो कोई अगर बुरा करते हैं तो उसकी बुराई बहुत जल्दी उसके आगे आती है, क्योंकि दुनिया मुकफ़ात है अमल है। तो ये सब कुछ इंसान के, तो मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचती, कोई मेरे बारे में जितना मर्जी नेगेटिव सोचे मैं उसका क्या जवाब दूँ, क्या आंसर दूँ। इमरान खान का और पीटीआई का? देखें पीटीआई का, जिस तरह से पीटीआई के फ्यूचर हमारी उम्मीदें हैं, उम्मीद करना या दुआएं करना, पूरी कौम की दुआएं हैं, वो तो एक साइड पे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि जिस तरह से फिर कहते हैं कि इदारों का नाम लेंगे तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, मतलब इदारे भी इमरान खान के अगेंस्ट आके खड़े हो गए हैं, और वो भी एक जोकर हमारे ऊपर मुसलत करती है, मुसलत कर दी, जिसको ना बोलना आते, ना खाना आते, ना पीना आते, ना हंसना आते, कोई एथिक्स, कोई मैनर्स, कुछ नहीं, हमारे मजाक। आप यकीन माने, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान से, वो कहते हैं इमरान खान, आई लव इमरान खान, आई लाइक इमरान खान, सीरियसली आई स्वेयर कि मैं इमरान खान को, लोग मतलब इतना प्यार करते हैं, चाहे वो चाहे जिस कंट्री के भी हैं, और पाकिस्तान को इमरान खान की वजह से जानते हैं। तो आप कहो कि हम फलां कंट्री से हैं तो उनके दूसरा नाम होता है इमरान खान, नवाज शरीफ को तो कोई जानता नहीं, शहबाज शरीफ को तो कोई जानता ही नहीं, आप खुद बताएं ना कि किस तरह से मजाक बन रहे हैं। इंडिया मीडिया पे न्यूज़ मैंने खुद देखी है, आप खुद सर्च कर लें, जिस तरह से वो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं कि जब इनको माइक लगाना नहीं आया था तो इंडियन मीडिया ने इस चीज़ का इतना तमस्कर उड़ाया, इतना तमस्कर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखें कि ये किस तरह पाकिस्तान का के साथ खिलवाड़ कर रहे, और किस तरह पाकिस्तान की आवाम को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार कर रहे। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज्जत दी, कहीं भी जाते थे, किसी से भी मिलते थे, जब वहाँ से वापस निकलते थे क्या उनका स्टाइल होता था, लोग उनको कॉपी करते थे, लोग उनकी मतलब चीज़ें जिस तरह से वायरल होती थी, कहीं भी जाके उन्होंने मतलब ऐसा उनसे कोई हरकत से इज्जत नहीं हुई कि वो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। तो डेफिनेटली इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, मुश्किल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे इदारे किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं तो फिर वो बंदा बहुत मुश्किल से सुरखरू होता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान को आवाम तो नहीं चलाती, पाकिस्तान को तो हमारे इदारे चलाते हैं और हमारे इदारे सब कुछ रन करते हैं, तो आवाम इंशाल्लाह उनके साथ है, मैं भी अल्लाह तबारक वाला कोई मुआवजा कर दें। तो अब तक के लिए इतना ही। तो हरीम शाह आज बेसिकली सिंध हाई कोर्ट इसलिए आई हैं कि कल सिंध हाई कोर्ट ने इनकी जो जमानत हिफाजती जमानत मंजूर की थी। एफआईए में इन कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक इंक्वायरी है और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक वीडियो से मुतालिक। और ये इस बात का अजम कर रही हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इन्होंने अदालत में खुद भी और अपने काउंसिल के जरिए भी ये कहा है कि ये एफआईए की जो इंक्वायरी है, जो एक वीडियो जो कि एक तफरीक के अंदर या मजाक के अंदर बनाई थी, और इस सिलसिले में उनकी क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है और वो इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन भी करेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही।